सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो एक्सक्यूज़ द बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे और कोई बेटर प्लेस मिला नहीं कि मैडम को लेके वीडियो बना सकूं। मॉम लाइफ, सो या मॉम लाइफ। सो हाय, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन माय नेम इज़ ज्योति एंड आई एम अ मदर ऑफ दिस 6 मंथ ओल्ड क्यूटी पाई। सो टॉपिक ये है कि मैंने सोचा कि इस बारे में भी वीडियो बना ही लूँ, क्योंकि हमारा मैम प्लीज। सो मेरा और मेरी बहन का जो डिलीवरी हुआ है, 1 महीना आगे पीछे हुआ है, उसका 11 नवंबर को हुआ है, 30th week पे, बट उसका इमरजेंसी सी सेक्शन था क्योंकि बेबी ने पेट में पूप कर दिया था, तो उसका इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था, बट बेबी वॉज हेल्दी। एंड मेरा जो डिलीवरी हुआ है वो शेड्यूल सी सेक्शन था मैडम का, जो भी 30th week में मैंने करवाया था, बिकॉज मुझे बैक में स्पॉन्डिलाइटिस है तो मैं नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करना चाहती थी। मेरे बैक में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी 9 मंथ में आना की वेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। ओके, आप बैठना चाहते हैं? ओके, मैं शेयर समथिंग। ओके, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड हमारा अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहा था, तो बेबी गर्ल हमें बहुत डेस्परेटली चाहिए था। यस, बेबी गर्ल चाहिए था, डैडी को पता है आपको। तो इसीलिए मैं गूगल करती थी कि क्या हार्ट रेट कैसे पता चलता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो काफ़ी जगह पे ऐसा मैंने देखा था कि 140 के अबव अगर होता है तो बेबी गर्ल होती है, एंड 140 से अगर बिलो होता है तो वो बेबी बॉय होता है, एंड बेली में जो लाइन पड़ता है वैसे ही सब कुछ होता नहीं है। मेन जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी से अगर जेंडर चेक किया जाता है तो उसी से पता चलता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। बाकी गूगल में भी सब कुछ ऐसा ही लिखा था कि कहीं पे भी ये सब फॉल्स होता है एक्चुअली में। अगर आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि FHR जो होता है, फीटल हार्ट रेट होता है, उससे क्या प्रेडिक्ट होता है कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल। सो इट्स अ फॉल्स। काफ़ी जगह मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी देखे यूट्यूब पे एंड गूगल करके भी देखा, सो इट्स एक्चुअली फॉल्स। बट काफ़ी जगह पर ऐसा कहा भी गया है, काफ़ी ऐसा माना भी जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि जस्ट बिकॉज हमारा मैच हुआ उस चीज़ में, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं हमारा शेयर कर देती हूँ। सो मैं भी अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सो मेरा जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट रहा है, आना का जो हार्ट रेट रहा है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेरा, फ्रॉम द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड टू द लास्ट अल्ट्रासाउंड, आना का हमेशा 140 के अबव ही रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा 170 के आसपास ही रहता था। ईशान का जो हार्ट रेट था, जो कि मेरी बहन का बेटा है, तो उसका जो हार्ट रेट था, और हमारी प्रेगनेंसी एक ही हॉस्पिटल में हुई है, डिलीवरी एक ही हॉस्पिटल में हुई है, एंड अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ एक ही जगह पर हुआ है, तो इसलिए मेरे को रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ पता है। तो उसका हमेशा 140 के नीचे ही था, तो कहीं ना कहीं मतलब दिल में था शायद लड़की हो, शायद लड़की हो, शायद लड़की हो, बट वी वेर नॉट श्योर। एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके ओके, आई एम सॉरी। तो मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा यहाँ मैडम खेल रही है, तो मैं जल्दी से रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ। यस मामा, सो माई नेम इज़ रिटन हियर, एंड 11th June को कराया था मैंने फर्स्ट मेरा अल्ट्रासाउंड, तो दिस वॉज माई LMP, एंड उस टाइम पे आई वॉज 9 weeks 2 days प्रेगनेंट। सो उस टाइम पे आना का जो हार्ट बीट था, मतलब फीटल का जो हार्ट रेट था, वो था 170 BM, एंड इट्स रिटन अप्रिशिएटेड। एंड जब मैं वहाँ रूम में थी तो इतना ज़ोर से मेरे को आवाज़ आ रहा था, धक 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 करके। सो बहुत फास्ट था उस टाइम पे। तो ड्यू डेट मेरा 15 जनवरी का आया था अकॉर्डिंग टू दैट। सो यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा कि 170 है उस टाइम पे, एंड देन नेक्स्ट मेरा जो अल्ट्रासाउंड था वो 18th week 3 days पे कराया था मैंने, तो उसमें आना का हाय मम्मा, तो उसमें आना का जो हार्ट रेट था 170 BM, एंड वेट भी दिख ही गया होगा, तो उस टाइम का हार्ट रेट इतना था आना का। एंड थर्ड जो मैंने कराया था वो ऑलमोस्ट 35 week पे कराया था, सो गेस्टेशन का लिखा हुआ है 34 week 2 days, तो उस टाइम पे आना का जो हार्ट रेट था कहाँ गया इसमें, हाँ ये रहा, 148 BM था। सो आना का हमेशा से ही 140 के अबव भी रहा है, सो हमें बेबी गर्ल ही चाहिए था, इसलिए हमने उतना उस बारे में सोचा नहीं।
सो द बॉटम लाइन इज हमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, बट हमें बेबी गर्ल का बहुत ज़्यादा मन था. सो जो भी जेंडर प्रेडिक्शन करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो मेरा बेली बम्प देख के एंड मेरे जो फीचर्स थे वो सब देख के हर कोई बोलता था कि मुझे लड़का होने वाला है एंड मेरी बहन को लड़की होने वाला है. इवन हर कोई, मेरी मम्मी को भी पक्का श्योर था कि मुझे लड़का होने वाला है एंड सबको श्योर था, क्योंकि कहते हैं लड़का होने से बेली में लंबी लाइन पड़ती है. तो वो सब भी मुझे हुआ था, वो सारे सिम्टम्स भी थे. तो मुझे सब लोग यही कहते थे कि बेबी बॉय होगा, बट मुझे बेबी गर्ल हुई. बस मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि मुझे बेटी होने वाली है एंड मेरा हस्बैंड तो कहता ही था कि हमारी बेबी गर्ल ही है, हमारी बेबी गर्ल ही है, गुच्ची मम्मा ही आने वाली है. एंड अगर आपने बर्थ ब्लॉग नहीं देखा है इस मैडम का तो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी एंड वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा. तो एंड ही क्राइड सो मच जब उसे पता चला कि लड़की हुई है. सो प्लीज़ ज़रूर देखना उसे भी. तो या हमारा वैसा कुछ नहीं था एंड ईशान का जो हार्ट रेट था वो हमेशा 140 के नीचे ही था. तो हमारे केस में और मेरी मेरी बहन के केस में कहीं ना कहीं वो चीज़ मैच करता है कि 140 के अबव आना का था, इसीलिए बेबी गर्ल थी एंड 140 के नीचे था तो ईशान बेबी बॉय था. तो हमारे केस में कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ मैच हुआ है. बाकी ये एक्चुअल में इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मैं गूगल भी करती थी, तो गूगल भी जब मैंने किया तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है. तो ये फॉल्स है, काफ़ी जगह पे 140 के अब भी बेबी बॉयज के भी हार्ट रेट होते हैं. या दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला एंड प्लीज़ ये सब पे विश्वास मत कीजिए. जस्ट होप फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ हेल्दी बेबी. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इन अ न्यू ब्लॉग. तब तक के लिए मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद द नोटिफिकेशन बेल आइकन. सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग. बाय गाइज. कैन यू शे बाय मम्मा? मम्मा कैन यू शे बाय? शी वॉन्ट्स हर टॉय. बाय गाइज.